भाभी मेरी माँ का कार्य करेगी, लेकिन भाभी ने आज उसने किया, आज एक भाई भाई से जुदा कर दिया। भैया तो खुद जुदा हुआ है, अपने कर्मों से जुदा हुआ है। नहीं भैया, हम झूठ का दामन नहीं थाम सकते। अगर झूठ के कारण हमें हजार बार आपसे अलग होना पड़ेगा तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारी बात सच्चाई से सुन लीजिए भैया। सुनाइए समझता हूँ। समझते हो? हाँ। जब तुम्हारी एक रोज इस भाभी पिंगला के चरित्र का पर्दा तुम्हारी आंखों से उठेगा, अच्छा, तब तक भैया बहुत देर हो जाएगी। संसार के अंदर तुम्हें तुम्हारा भाई विक्रम नहीं मिलेगा। ये झूठा झूठा फंदा है भैया, जिसमें आप फंस चुके हो। विक्रम, मुझे पता है तुम्हें आज मेरी बातें बड़ी सेल जैसी चुभ रही होंगी, क्योंकि तुम्हें तो भाभी की बातें बड़ी प्यारी लगती है। वो चीज ऐसी है भैया, ऐसा वो नहीं है। वो जहरी ऐसा है। ऐसा नहीं है विक्रम। अच्छा, तू ये सोचता है कि मैं खुशी से तेरे को हुक्म देता हूँ? हाँ। मेरी मजबूरी है, न्याय का तकाजा है। अच्छा। दवा तुम्हारे खिलाफ है, रानी तुम्हारे खिलाफ है। हाँ। जो कहना चाहते हो कहिए। Oh!
हाथ सौंप रहे हो भैया, मेरी मजबूरी है विक्रम, मैं चला जाता हूँ। ये राज पाठ धन दौलत, ये रानी पिंगला, ये सब कुछ आपको सलामत रहे, और मुझे माता पिता आपके हवाले कर गए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे माता पिता के जाने के बाद में मेरे साथ में इस प्रकार से सच्चाई की खातिर मुझे दबाया जाएगा, चाहे मेरा सर कर्म हो जाए भैया, लेकिन मैं सच्चाई को नहीं दबा सकता। मेरी मैं और भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया, मेरी मजबूरी है। अच्छा, मुझे प्रजा को जवाब देना है, आपकी मजबूरी है, जो कहना चाहते हो कहो। एक भैया को भैया से जुदा होना, एक भाई का कत्ल कराना आपकी मजबूरी है, सच्चाई को छुपाना आपकी मजबूरी है, भाई के कर्म खराब हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुनिए हमारी बात, घर से सुनाइए। लेकर के भाभी के साथ भी सलाह मशवरा कर लेते हो, हाँ। राज पाठ चलाते हो, हाँ। मंत्री और सेनापतियों के साथ भी सलाह मशवरा कर लेते हो, लेकिन मेरा तो केवल आप ही सलाह मशवरा थे, और आप भी आज पिंगला भाभी के हक में पहुंच चुके हैं। भैया आज मुझे अपने माता पिता बड़े याद आ रहे हैं, लेकिन जैसा मुझे वक्त आप दोगे मुझे हर वक्त कबूल है भैया। विक्रम, हाँ, ये मजबूरी मानिए या न्याय का तकाजा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी बलि होनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। जो कहना चाहते हो आखिरी बात सुनिए भैया, सुनाइए।